अपनी हरकत से बाज आओ विशाखा। देव, काश ये हाथ आपने सबके सामने पकड़ा होता। हाथ रोकने और थामने में फर्क होता है विशाखा। राधिका मेरी पत्नी है और आखिरी दम तक राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। ओके। एक मिनट देव, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है और कानून के दायरे में राज पुरोहित भी आते हैं, तो जब तक हमारा तलाक ना हो जाए आपकी इकलौती बीवी मैं ही रहूंगी। मेरे साथ कानून है जो आपके मठ और समाज से ज्यादा बड़ा है। दादी माँ जी, दादी माँ पानी लेकर आइए। दादी माँ पानी दो जल्दी, आप अपनी तबीयत मत खराब। दादी माँ पानी लो, पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ अन्याय होता नहीं देख सकती छोटी बहू। क्या विशाखा की इन धमकियों का हमारे पास कोई इलाज नहीं है? दादी माँ इलाज, मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से बात कर ली, उसने मुझे 6 बजे का वक्त दिया। मैं और विवेक भैया बस अभी निकलने वाले। राधिका, मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं, तुम सबका ख्याल रखना। चलिए भैया। मिस्टर पुरोहित, मैंने आपका केस बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है, बहुत लूप होल्स हैं, आपको दोबारा डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा। दोबारा डिवोर्स फाइल? पर वकील साहब, जो केस क्लोज हो चुका है हम उसे रीओपन नहीं कर सकते? नहीं मिस्टर देव, आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको दोबारा नए सिरे से सारे पेपर्स पर विशाखा के सिग्नेचर्स लेने होंगे। वकील साहब, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार जब विशाखा ने दस्तखत किए थे तब हालात कुछ और थे, वो खुद हीरोइन बनना चाहती थी और वो खुद इस शादी से छुटकारा चाहती थी, पर अब वो। जी वकील साहब, अब तो वो चाहती है कि वो हमारे घर की छोटी बहू बनी रहे। तलाक के पेपर्स पर फिर से साइन करवाना तो बहुत दूर की बात है, हम तलाक के पेपर्स उसके सामने भी नहीं रख सकते। देखिए मिस्टर पुरोहित, अगर आप लोग अदालतबाजी से बचना चाहते हैं तो यही एक इकलौता उपाय है, सारे पेपर्स पर फिर से दस्तखत। अगर दोनों पार्टीज दस्तखत करती हैं तो हम जज से कह सकते हैं कि दोनों आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और हमें तलाक मिल भी सकता है, नहीं तो तारीख पर तारीख मिलेगी लेकिन तलाक नहीं मिल सकता। देखिए मैं तो कहता हूं कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, डराइए, धमकाइए, मिन्नत कीजिए, हाथ जोड़िए, लालच दीजिए, लेकिन सारे पेपर्स पर दस्तखत करवा लीजिए। सुनो, इस फाइल को जाकर स्टडी में रख दो और संभाल के रखना। देव, तुझे अपने आप को संभालना होगा, अगर तू इतना परेशान दिखेगा तो राधिका तो बिल्कुल टूट जाएगी। सुन, तुझे उसे ये दिखाना होगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, ये कुछ दिनों का तूफान है जो बहुत जल्द थम जाएगा, ठीक है? आप आ गए। क्या बात हुई, वकील साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं राधिका, उन्होंने कहा कि केस शुरू हो चुका है, बस अदालत की कार्यवाही में जितना समय लगता है बस वही, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना?
हाँ क्या? मैं तुमसे ये छुपा रहा हूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जो कि मैं कभी बता नहीं पाया। कुछ खा लीजिए। नहीं राधिका, दरअसल थोड़ी देर हो गई थी और विवेक भैया को भी भूख लग गई थी, तो हमने रास्ते में खाना खा लिया। कोई बात नहीं, सोने चले। चलो। अरे राधिका, तुमने खाना खाया? क्यों? आपके बिना कैसे खा सकती थी? चलो पहले अब तुम खाना खाओगे। अरे आप, मैं जानती थी कि आप यहां जरूर आएंगे। आखिर एक पति अपनी पत्नी से कितने दिन तक दूर रह सकता है? आप आइए ना, आइए आइए आइए, यहां भी बैठिए। रुक जाओ विशाखा, कहाँ जा रही हो? पति पत्नी कमरे में है, उनके कमरे का दरवाजा यूं खुला है, अच्छा नहीं लगता ना। ठहरो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में बस एक कानून का जो बंधन है, मैं बस उसके बारे में ही बात करने आया हूं। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम इन पे साइन कर लो, तुम्हें मुझसे जो चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या दे सकते हैं आप मुझे? विशाखा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। तुम्हें हीरोइन बनना था ना, तुम हीरोइन बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बनवाऊंगा। अपना दिल दे सकते हैं? तुम पागल होगी हो क्या विशाखा? तुम जानती हो मैं सिर्फ राधिका का हूं और राधिका ही मेरी पत्नी है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितने ऐशो आराम चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। तुम जाओ तो इससे भी बड़े घर में रह सकती हो, जहां तुम्हारे पास सारे ऐशो आराम होंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर आपकी कमी तो रहेगी ना? ये कमी तुम्हें जीवन भर रहेगी और तुम्हें इस कमी की आदत डाल देनी चाहिए। वाह, बहुत खूब। आपको मेरा सहारा छीनने की आदत हो गई है ना देव? एक बार पहले भी आप मेरा सहारा छीन चुके हैं और आज भी आप वही छीनने आए हैं। देखो विशाखा, मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार बेवकूफ बन चुका हूं
अब दूसरी बार नहीं मानूंगा। मैं जानती हूँ कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ना ही मेरे प्यार के बारे में। आप पत्थर हो गए हैं देव, पत्थर। तो फिर क्यों एक इंसान की तरह रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं आप? मार क्यों नहीं देते मुझे? मार दीजिए मुझे देव, एक बार में अपने रास्ते का कांटा हटा क्यों नहीं देते हैं आप? वैसे भी रोज अपने कड़वे शब्दों से आप मेरी जान ले ही रहे होते हैं। एक बार में हर मुश्किल से आजाद हो जाएंगे आप। Come on, Dev, kill me. मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे। ये नाटक बंद करो विशाखा, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको भी इन सब चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुम जिसे प्यार समझ रही हो वो प्यार नहीं है, वो तुम्हारी जिद है। प्यार वो है जो राधिका मुझसे करती है। उसने मुझे तब जाके अपनाया जब तुमने उसे यकीन दिला दिया था कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और जब तुम जानती हो कि हमारी शादी हो चुकी है, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम हम दोनों के बीच में से हट क्यों नहीं जाती, मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती? कानूनी तौर पे भी अगर तुम मेरी पत्नी बन जाती हो फिर भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर लो। ठीक है देव, मैं इन कागजात पे साइन कर देती हूं, पर इन पे साइन करने से पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो तुम कहो। आपने मुझसे जो छीना है वो मुझे वापस लौटा दीजिए। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा बन सकता था और आगे की जिंदगी में अपने बच्चे के सहारे काट सकती हूँ। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए देव। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा देव, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझसे कहा था कि कानून के जरिए मैं आपकी पत्नी तो बन सकती हूँ पर आपको कभी नहीं पा पाऊंगी। आपको पाने का बस यही एक तरीका बचा है मेरे पास, मुझे मेरा सहारा दे दीजिए, मुझे आपकी एक रात दे दीजिए देव, दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी मान मर्यादा भूल रही हो, लेकिन मुझे अपनी हद पता है। मुझ पे सिर्फ राधिका का हक है, सिर्फ राधिका का। को भी इन सब चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आप मायूस मत होइए, काना हमारे साथ है, जो भी मुश्किलें आएंगी वो सब दूर हो जाएगी।
लेकिन वही होगा जो हमारे कान्हा चाहते हैं। तुम विशाखा के इरादे नहीं जानती राधिका। विशाखा के इरादों को हमारे प्यार के आगे झुकना ही होगा। आप देखिएगा, एक दिन मजबूर होकर वो खुद ही तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देगी। तुम कितनी मासूम हो राधिका, कितना विश्वास है तुम्हें अपने कान्हा पर, हमारे प्यार पर। मैं तुम्हारा ये विश्वास टूटने नहीं दे सकता। आप थक गए होंगे, चलिए सो जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो राधिका, जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम दोनों मिलकर उसका सामना कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाते हैं। नहीं राधिका, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। वकील ने कुछ कागज बनाने के लिए कहा है, मैं बस वो करके आता हूँ। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप जब तक जागेंगे मैं तब तक आपके साथ जागूंगी। तुम सो जाओ। मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा बन सकता था, पर आगे की जिंदगी मैं अपने बच्चे के सहारे काट सकती हूँ। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए दे। मुझे मेरा सहारा दे दीजिए, मुझे आपकी एक रात दे दीजिए देव, दे दीजिए। तू अब तक जाग रहा है देव? विशाखा से बात हुई क्या? क्या कहा उसने? बोल देव, विशाखा ने क्या कहा? कैसे बताऊं भैया, जो बात सोच कर मन टहल जाता है वो जुबान तक कैसे लाऊं? देव, तेरी खामोशी बता रही है कि विशाखा ने इनकार कर दिया है ना? लेकिन ये तो हमें पहले ही पता था कि विशाखा उन कागजों पर साइन करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। नहीं भैया, इनकी खुशी के लिए, इनके भले के लिए मैं इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूं। देख बताइए ना भैया को। अगर तुम तैयार हो तो फिर कर दो ना साइन। मैंने तो इतने बड़े काम के लिए बहुत छोटी सी चीज मांगी है देव से। पूछिए ना इनसे भैया। देव सोच क्या रहा है, जो चाहिए दे दे इसे। देव, अगर इसे हमारी जायदाद का हिस्सा चाहिए तो हम इसे वो भी देने को तैयार हैं। इसकी झूठी बातों में मत आइए भैया। आप जानते हैं इसे हर बात पर तमाशा करने की आदत है। आप बस ये समझिए कि इसने मना कर दिया।
चलिए भैया, रात बहुत हो चुकी है। रुक जाइए देव, अगर आप भैया को नहीं बताना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। बस करो विशाखा, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, भैया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बात हमारे बीच हो सकती है वो भैया को क्यों बताना। देव, देव मैं अपने आप चला जाऊंगा, तू एक बार फिर इससे बात कर ले। इतना याद रखना देव कि तेरी खुशियों के आगे किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं देव? मैंने आपसे कोई पाप करने के लिए नहीं कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे वही मांग रही हूँ जो मेरा अधिकार है। देव, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना प्यार जितना आपसे आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अगर आप मेरी जान भी मांगते ना तो मैं इनकार नहीं करती, पर आप मुझे अपनी एक रात नहीं दे सकते देव। प्यार, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है विशाखा। प्यार में इंसान उठता है और तुम इतनी गिर चुकी हो कि तुम्हें मेरे सामने ऐसी शर्तें रखनी पड़ रही। तुम इतना जरूर याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे जिद के आगे हार नहीं मानूंगा।